शालोम 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 शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में कार्य करे। प्रियो, कितना सुंदर समय है कि आज हम प्रभु परमेश्वर के भवन में, हालेलुया, ऑनलाइन चर्च, यह हमारा ऑनलाइन चर्च है और इस ऑनलाइन चर्च में आज आप सबका स्वागत है। और कितना सुंदर समय कि आज हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु सामर्थ्य है, जीवित है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आप सब लोग जो है इकट्ठा हो रहे हो, प्रभु आपको बहुत आशीषित करें और मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। सिस्टर जॉली कृपया प्रार्थना में करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हरे स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हे परमेश्वर पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, तुझे ऊंचा उठाते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, तुम्हें हमारे हमें अपने लहू से धो ले, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। जितने भाई बहन जुड़ते जाते हैं प्रभु इस सभा से, उन सभों को आशीष दे प्रभु जी। अपने जीवन में वे आनंद को प्राप्त करें, वे शांति को प्राप्त करें, वो शांति जो समझ से परे है। हे परमेश्वर पिता, एक एक को अपने अभिषेक से भर दे। एक एक के जीवन में बड़े बड़े काम तू कर प्यारे प्रभु जी। जिस चमत्कार की वे अपेक्षा करते हैं वह चमत्कार उन्हें मिले, जिस आश्चर्यकर्म की वे अपेक्षा करें वह आश्चर्यकर्म उनको मिले। हे सामर्थ्य यीशु, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। हे सामर्थ्य यीशु, उनके बंधन यीशु नाम से तोड़े जाएं। हे सामर्थ्य परमेश्वर, आज परमेश्वर पिता, आज हम विनती प्रार्थना करते हैं, आज के सुंदर दिन को तेरे लहू में ढांप लेते हैं, इस सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हमारी अगुवाई कर प्यारे प्रभु जी, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, इन गीतों के द्वारा तुझे सारी महिमा मिले। हे अपने हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हम तेरी स्तुति करते प्रभु जी। ओ प्रभु, आत्मा सच्चाई से स्तुति करने के लिए तो अनुग्रह प्रदान कर, अपनी आशीष से भर उन्हें। देखिए हर एक भाई बहन अपने अपने घरों में ये जोर जोर से गीत हमारे साथ गाएं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, अपनी आवाज़ों को निकालें प्रभु यीशु जी। ओ आराधना में वो हमारे साथ एक मन हो जाएं प्यारे यीशु जी। ओ प्रभु जी, तू हमारे मनों को तैयार कर, तेरा वचन का बीज जिसे बोया जाता है वो 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु जी, और हमें तेरी आमद के लिए तैयार करे सामर्थ्य यीशु जी। हालेलुया हालेलुया, जो घराने बचाए जाएं प्रभु जी। हालेलुया, हम विनती प्रार्थना करते हैं, आशीष उंडेल, शैतान के सारे बंधन तोड़ दे हर एक के जीवन से प्रभु। शैतान के सारी दुष्ट योजनाएं और दुष्ट कार्य यीशु नाम से श्रापित किए जाएं। हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी अरदासों को यीशु मसीह के नाम से हम श्रापित कर देते हैं। ओ राजाओं के राजा यीशु, एक एक को नाम बनाम आशीष दे प्रभु, व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी। तू प्रभु उन्हें आशीष दे, उनका उद्धार कर, उन्हें अनंत जीवन दे, उन्हें पापों की क्षमा के लिए कायल कर। ओ राजाओं के राजा यीशु, वह अपने पापों से माफ़ी मांगे प्रभु जी। इन दिनों में हर एक जन तेरे पास दौड़ा चला आए प्रभु जी। ओ जीवित यीशु, सहायता कर, हम सब लोगों को प्रार्थना वीर बना प्रभु जी। हालेलुया, हम सब लोगों को ऐसे इंटरसेसरी प्रेयर करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, हम में से हर एक को प्रार्थना योद्धा बना प्रभु जी। प्रार्थना की सेवकाई हम करने वाले लोग बने, तेरी पवित्र आत्मा से भर के, ओ तेरी पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बने। ओ जीवित यीशु, सहायता कर, आशीष दे प्रभु जी, हमें तेरी आशीषों की आवश्यकता है, आत्मिक आशीष से भर दे प्यारे यीशु जी। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है पहले तुम अपने तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
आज हम दुनिया की चीज़ों के पीछे ना भागें प्रभु, लेकिन हम तेरे पीछे भागें। ओ सामर्थ्य यीशु, और तू हमें स्वर्ग से वो सारी ज़रूरतों को देगा ओ जिसकी हमें आवश्यकता है। ये सामर्थ्य परमेश्वर, इस रहस्य को समझने के लिए हर एक की सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। आशीष दे प्रभु जी, शैतान के सारे बंधन तोड़ दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और जलाल इनाम से मांगते हैं, सोना दया से कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। उस गीत को गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद आप सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। यस, गॉड ब्लेस यू। पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। ओ मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, प्रभु आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। कैसे दुआ मांगूं, क्या मैं दुआ मांगूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। क्या मैं दुआ मांगूं, क्या मैं दुआ मांगूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, भेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, भेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। चिंता भी कर छोड़ो, कुछ को ही निहारो, दिखा दे आत्मा प्रभु। चिंता भी कर छोड़ो, कुछ को ही निहारो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्वीकारो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्वीकारो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों
प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु
हर मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको चला। मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको चला। आत्मा प्रभु पवित्र, आत्मा प्रभु 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 प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु पवित्र, आत्मा प्रभु पवित्र, आत्मा प्रभु प्रभु पवित्र, आत्मा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु तेरे धन्यवाद। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार, प्रभु ने तुझे है गले लगाया, वो छोड़ देगा क्या। ताइए हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू जीसस। ये गीत जो है अपने मन से बात कर रहा है कि तुम निराश ना हो, धीरज ना हो। हालेलुया, हर एक निराश मन प्रभु में आशीष पाए, आनंद पाए, खुशियां पाए। इसलिए निराश ना हो क्योंकि प्रभु हमारे साथ। प्रभु ने दूसरों के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, वो आपके साथ भी करेंगे और मेरे साथ भी करेंगे। इसलिए निराश ना हो। प्रभु ने तुझे गले लगाया, वो छोड़ देगा क्या। यीशु ने तुझे गले लगाया, वो छोड़ देगा क्या। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु दे दिया, उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु दे दिया, उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा। हाँ मन मेरे ना हो निराश, पूरा धीरज भी दीर्घायु करेगा। इस क्या को चंगा करके 15 साल बढ़ाया, मुझे भी दीर्घायु करेगा। मन मेरे ना हो निराश, तू धीरज हार। मूसा को दर्शन देकर इज़राइल को छुड़ाया, मुझे भी छुड़ाएगा। मूसा को दर्शन देकर इज़राइल को छुड़ाया, मुझे भी छुड़ाएगा। हाँ।
गौशाला में जन्म क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। गौशाला में जन्म क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। मन मेरे ना हो दास पूरा मन मेरे ना हो दास पूरा यीशु राजा बादलों पर आएगा उसके साथ राज करूंगा। यीशु राजा बादलों पर आएगा उसके साथ राज करूंगा। ओ बोलो मन मेरे ना हो दास पूरा राज जाकर राज का प्रचार किया मैं भी प्रचार करूंगा। गांव जाकर राज का प्रचार किया मैं भी प्रचार करूंगा। ओ मन मेरे ना हो राज तू ना राज अंधे बर्तन में आपे को भी मेरी बिच्छू लेगा। अंधे बर्तन में आपे को भी मेरी बिच्छू निराश नहीं होंगे प्रभु जी, तेरी महिमा करेंगे राजा, क्योंकि तू महान, क्योंकि तू सच्चा, क्योंकि तू चिंता परमेश्वर। हालेलुया, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए यीशु है मेरा हमेशा साथ। उस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जिंदगी है वो आनंद की जिंदगी है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा दाता है, जीवन का दाता है। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए यीशु है हमेशा मेरा साथ। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी
जिसका दाता यीशु मसीह है, मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह है। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथ। ओ चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथ। ओ मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है, मसीह जिंदगी जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है। दुनिया की मादा जब बंद हो जाए, रोग में जब छोड़ भी दे, दुनिया की मादा जब बंद हो जाए, रोग में जब छोड़ भी दे, तो के भाई जाती दे, सुनता प्रभु है मेरा साथी। खुद के भाई क्या भी देवे, सुनता प्रभु है मेरा साथी। ही जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है। अंधकार जग में जब फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे, अंधकार जग में जब फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे। वो अग्नि कुंड हो, शेरों की मांग हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथ। कुंड हो शेरों की मांग हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथ। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह है, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथी। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र सब गद रहे। ओ हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गाते ही रहे। ओ मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है, मसीह जिंदगी हालेलुया जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है। तुम्हें सुनने का कब आ गया, प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। तुरही सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखूंगा। कब तो आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार मुझको तेरा यीशु ने। कब तो आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार मुझको तेरा यीशु। हो मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है। अपनी जिंदगी आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह है। हालेलुया, तेरी महिमा हो, प्रशंसा।
प्रशंसा 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 यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह की प्रशंसा हो, जो ताज है जो आने वाला उस पर परमेश्वर का धन्यवाद, उस पर परमेश्वर की प्रशंसा। महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। इस गीत को गाएं क्या प्रभु के नाम में, महिमा तेरी ही हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, Lord, we bless your name, O God. Hallelujah. अगवा मेरा
मेरा यीशु अगवा मेरा
हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारी आराधना तुझे मान्य हो। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरा जय जयकार हो, हे शिव तेरा धन्यवाद हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी प्रशंसा हो। हमारे पापों की क्षमा करने वाले, हमारे धर्मों को माफ करने वाले प्रभु जी, हमें शुद्ध करने वाले प्रभु जी, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो प्रभु यीशु राजा, तेरी महिमा, तेरे सुदेव राजा, तू महान 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 महान, सामर्थी 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 सामर्थी, कभी न बदलने वाले मेरे प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा, Fill your people with your power, Lord. Fill your people with your grace, Lord. Fill your people with your anointing, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज हमने प्रभु परमेश्वर अपने दिल से तेरी आराधना की है, दिल से तुझे ऊंचा उठाया है, और तूने प्रभु अपना सिंहासन इस जगह पे लगाया है। जो जो व्यक्ति अपने घर में ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उन हर एक व्यक्ति के घर में प्रभु ने अपना सिंहासन लगा दिया है, और प्रभु शैतान के राज्य नष्ट हो गया है, शैतान का काम भस्म हो गया है, शैतान लज्जित हो गया है, शैतान को हमने कुचल दिया है। हो रा बाबा शानदार रबा 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 रबा, शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, और कुचल दिया गया है हमारे आराधना में, शैतान कुचल दिया गया है। हे प्रभु हमारे जीवन में तुझे सारी महिमा मिले, सारा आदर सम्मान धन्यवाद मेरे यीशु को, मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, मेरे त्रिएक परमेश्वर को मिले। हालेलुया, वो हालेलुया, वो उसके योग्य है, और उससे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है, वो महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और शैतान ने चाहे कितने भी नाखून हालेलुया हमारे अंदर जड़ जे हो, और शैतान को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि अपने नाखून और अपने पंजे हटा दे यीशु के नाम से। इन लोगों के ऊपर से अपने पंजे हटा, इन लोगों के ऊपर से अपने नाखून जो तूने घुसा है हटा यीशु के नाम से। और आज मैं एक एक व्यक्ति को आजाद कर रहा हूँ प्रभु, सिस्टर शैली को पूर्ण चंगाई दे यीशु के नाम से, जो बीमार है प्रभु हमारी बहन, पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, वो बिस्तर पे आने ना पाए पिता परमेश्वर, जैसे ये कार्यक्रम सुनती है उसके अंदर पवित्र आत्मा मंडलाने दे प्रभु जी। सिस्टर राधा के लिए प्रभु जी, विशाखा बहन के लिए, हमारे भाई हालेलुया कृष्णा के लिए पिता प्रभु जी, हे प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे भाई दशरथ जी के लिए जो पटना से है प्रभु जी, और उनकी माँ के लिए जो प्रभु हालेलुया कोरोना वायरस और काला फंगस उसको हो गया है, यीशु के नाम से प्रभु जी तेरी दासी को पूर्ण चंगाई देते पिता परमेश्वर, पूर्ण चंगाई मिले प्रभु जी, कोई बीमार रहने ना पाए, कैलवरी चर्च में कोई बीमार रहने ना पाए। आज एक एक व्यक्ति को मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूँ, यीशु के नाम से मैं आजाद करूँ। सिस्टर निर्मल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सारे बंधन तो तोड़ दे प्रभु जी, प्रभु तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु परमेश्वर, हो प्रभु परमेश्वर। भाई रामचंद्र प्रभु जी हालेलुया, ब्रदर प्रभु हालेलुया सतीश के पापा, उनको पूर्ण चंगाई दे, और वो भरपूर खाना खाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, सारे शैतानी शक्तियों को दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु सिस्टर ग्रोवर के लिए प्रार्थना करते, पूर्ण चंगाई दे, हो यीशु के कोड़े खाने के द्वारा ये सारे भाई बहन चंगे हो जाए। कैलवरी चर्च का हर एक व्यक्ति, चाहे उनका नाम मैंने ना लिया हो, आज तेरी सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आए। हे प्रभु परमेश्वर, आरती को भी पूर्ण चंगाई दे, इनके पेट का सारा दर्द दूर कर। हे प्रभु तू कार्य कर,
अपने आशीष दे। सिस्टर किरण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भद्रा परिवार को तेरे पवित्र लो में ढांपते पिता परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्ति को दूर करते पिता परमेश्वर, प्रभु अपनी महिमा दिखा पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा तो दिखा के प्रभु अपनी सेवा तो हमसे ले ले प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। हो रबा शानदार रबा रबा रबा, जितने सारे शत्रु है प्रभु कैलवरी चर्च के, और सारे शत्रुओं को शांत करते हैं यीशु के नाम से, और शत्रुता की आत्मा को यीशु के नाम से बांध देते हैं, वो जलन की आत्मा यीशु के नाम से बांध देते हैं, अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से बांध देते हैं, पाप की आत्मा यीशु के नाम से बांध देते हैं। हे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं जो शैतान प्रभु हमारे अब दिल्ली के विरोध में है, जो शैतान हमारे भारत के विरोध में है प्रभु जी, उन शैतानों को आज यीशु के नाम से बांध देते हैं, यीशु के नाम से श्रापित करते हैं उन शैतानों को। हे प्रभु जी, हमारे प्रभु परमेश्वर विधानसभा राज्यसभा, हे प्रभु परमेश्वर हमारी लोकसभा, इन सारी सभाओं में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे, इन सभाओं का नियंत्रण अपने हाथों में ले, इन सभा में जितने सारे लोग आते हैं पिता परमेश्वर, आज इसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर आए, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह आजाद हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रभु हालेलुया दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, मोदी जी को, और सारे कैबिनेट मंत्री को, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे भारत के अधिकारियों को यीशु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, परिस्थिति को तू बदल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जो दुष्ट आत्मा और शैतानी आत्मा जो आकाश से प्रभु इन लोगों के ऊपर अटैक करती है, उन सारी शैतानी आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। चाहे जहां से भी वो अटैक कर रही है प्रभु जी, वो सारा अटैक यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। योग्य नियम ला, योग्य बातें ला, अच्छे दिन ला, हे प्रभु परमेश्वर पिता, हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर अच्छे दिन आ सकते वो ला प्रभु हमारे भारत में, हे प्रभु परमेश्वर पिता, और सारे बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर। हमारे पंत प्रधान को ताकत दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु, ताकि प्रभु इस देश को चला सके प्रभु जी। हमारे केजरीवाल जी को सहायता कर प्रभु, उनकी उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा उतराने दे प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर योग्य अच्छी अच्छी नई नई स्कीम्स उसके पास आ जाए, हे प्रभु परमेश्वर, और स्कीम प्रभु परमेश्वर लागू हो जाए पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु सारे बंधनों को मैं तोड़ रहा हूँ, हर सारे अधिकारियों को मैं प्रभु यीशु तेरे लोह में ढांप ले रहा हूँ प्रभु। हालेलुया, तेरी आग बरसे प्रभु उनके हर एक व्यक्ति पर, तेरी पवित्र आत्मा की आग बरसे उनके ऊपर, और सारे अंधकार की शक्ति को लज्जित कर डाल पिता प्रभु। प्रभु तू चमत्कार कर, विशाखा बहन का जो सर का दर्द है प्रभु दूर कर दे प्रभु यीशु के नाम से। कोई भी दर्द रहने ना पाए, कोई भी परेशानी रहने ना पाए, किसी को भी कोई परेशानी रहने ना पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। प्रभु जी आज के वचन पर भी तू अपने आशीष उंडेल, और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूँ, एक एक व्यक्ति के सारे बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हमारा जीवन नगर कैलवरी चर्च, साउथ ईस्ट कैलवरी चर्च, जीवन नगर कैलवरी चर्च, साउथ ईस्ट कैलवरी चर्च, मंजावली कैलवरी चर्च, मालवीय नगर कैलवरी चर्च, इलायचीपुर कैलवरी चर्च, इन चर्चेस के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा जोरों से मंडला है। इन एरिया के विरोध में कार्य करने वाली सारी बलवान दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से मैं नाश कर देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं श्रापित कर देता हूँ। जब चर्च शुरू हो जाएंगे प्रभु जी, इन सारे पांचों चर्चेस में इतने लोग आए कि बैठने के लिए जगह ना हो प्रभु जी। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा उन जगह पे हम भेजते हैं, हे पवित्र आत्मा कृपा करके जा, वहां के सारे बलवान शैतानी आत्माओं को, वहां पे सारे जो शत्रुता की आत्मा, विरोध की आत्मा, यीशु के नाम से बांध देते हैं, यीशु के नाम से बांध देते हैं। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे, कैलवरी चर्च की हर एक जरूरत पूरी कर। कैलवरी चर्च को प्रभु जितने भी सारे रुपए चाहिए, वो सारे रुपए तेरी सेवकाई के लिए तू दे पिता परमेश्वर। जितने सारी जमीनें चाहिए चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए, सब तू दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, कैलवरी चर्च को किसी बात की कमी घटी रहने ना पाए पिता प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, आकाश के जरों के खोल के प्रभु कैलवरी चर्च को तू और आगे बढ़ा प्रभु जी। प्रभु उसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपना दशवांश दिया है प्रभु जी, जो अपना दशवांश ईमानदारी के साथ देते हैं प्रभु जी, उन सारे व्यक्तियों को आज मैं प्रभु श्री तेरे पवित्र लो में ढांपता हूँ। उनके जीवन में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उतर आए प्रभु जी,
इसी वक्त प्रभु उनको बरकत दे पिता परमेश्वर, उन्होंने प्रभु तुझे दिया है पिता परमेश्वर, और इसलिए तू परमेश्वर उनको याद कर पिता प्रभु जी। हालेलुया, जो एजेंसी ली गई है पिता प्रभु जी, हालेलुया, हमारे भाइयों ने प्रभु जो एजेंसी ली है उस एजेंसी को का काम पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो माल आने दे प्रभु परमेश्वर ट्रक्स में, और वो माल वितरण होने दे पिता परमेश्वर योग्य तरीके से, सारे दुकानों में वितरण होने दे, और इस प्रक्रिया को जल्दी जल्दी होने दे प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम आने ना पाए प्रभु जी। जो जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं प्रभु जी, आज बिजनेस की ताकत उनको मैं देता हूँ, बिजनेस करने की शक्ति उनको मैं देता हूँ, बिजनेस बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हे प्रभु, सिस्टर हालेलुया लक्ष्मी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, सिस्टर लक्ष्मी को पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, हमारी बहन को प्रभु परमेश्वर पिता, वो जो जुकाम हुआ है, जो पेट में दर्द, शरीर में दर्द, आज यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि सारा दर्द दूर हो जा। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, सिस्टर गीता के ऊपर, सिस्टर लक्ष्मी के ऊपर उतर आने दे। सिस्टर गीता का घुटने का जो सारा सूजन है, यीशु मसीह के नाम से उतर जाए, वो सारी घुटने की सूजन यीशु के नाम से उतर जाए। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा सिस्टर गीता के ऊपर उतर आने दे। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा ब्रदर अरुण के ऊपर उतर आने दे, उनके पाँव में चलते वक्त कोई दर्द होने ना पाए। सिस्टर लक्ष्मी को प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दे राजा। हे शैतान दूर हो, छोड़ दे मेरी बहन को, सिस्टर लक्ष्मी लक्ष्मी को पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया, सिस्टर हीरा को पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, उनके सारे कुंभे को तो आशीषित कर। जो जो बीमार है, जो जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सबों के ऊपर आज मैं तेरी पवित्र आत्मा उतराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सबों को अपने आशीष से भर दे। सिस्टर शिवानी को अपने पवित्र आत्मा से भर दे। ओरा बाला बारा 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 शिखा तक रंदोरो बोरिया बराबा, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। हालेलुया, विश्वास करो इस वचन पर, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। इस वक्त परमेश्वर के नाम से तुम आजाद हो रहे हो, इस वक्त यीशु के नाम से तुम आजाद हो रहे हो। हालेलुया, यीशु के नाम में जो सामर्थ है, यीशु के नाम में जो अधिकार है, यीशु के नाम में जो सारी बीमारियां दूर हो जाती है, उसी यीशु के नाम से मैं एक एक व्यक्ति को आज आजाद कर रहा हूं। विश्वास करो और अपनी चंगाई प्राप्त करो, विश्वास करो और अपनी चंगाई प्राप्त करो। शैतान को मौका ना दे प्रभु हम लोग, हालेलुया, शैतान को यीशु के नाम से हम बांध देते सब मिलके प्रभु जी, और प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो राजा। जो लोग यात्रा करने वाले हैं प्रभु जी, हालेलुया, यात्रा करने वाले हर एक व्यक्ति को तो अपने आत्मा से भर, उनके जाने आने में प्रभु तो उनकी सफलता दे, और सारे बंधन तोड़ दे राजा, सारा विरोध दूर कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु तो कहता कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हे प्रभु तू कार्य कर। आज हम प्रार्थना करते हैं पास्टर अनुग्रह की जो शादी है पिता परमेश्वर, पास्टर अनुग्रह की शादी को तू आशीषित कर। हालेलुया, पास्टर अनोज की भी शादी जल्दी होने दे प्रभु जी। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर प्रोमिला, सिस्टर रितु, सिस्टर सुनीता थापा और इतने सारे भाई बहन, उनकी शादी होने वाली है, उन शादियों में तू स्वयं उपस्थित हो प्रभु जी। जैसे तू काना गांव में गया और वो शादी में उपस्थित हुआ, उस शादी में होने वाली सारी धांधली को तूने रोक दिया, उस शादी में होने वाली सारी बेइज्जती को तूने रोक दिया। हे प्रभु, हमारे बच्चों की शादी में तू आना राजा, और सारी धांधली बाजी दूर कर, सारे प्रभु बेइज्जती होना दूर कर दे, और बड़े शान से हमारे बच्चों की शादी हो, बड़े खुशी के साथ हमारे बच्चों की शादी हो। हमारे बच्चों के जोड़े तू जोड़ रहा है प्रभु जी। हे प्रभु, उनके घरों को तू बसाएगा पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई को तू आशीषित करेगा प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा उतराने दे, किसी के ऊपर अन्याय होने ना पाए प्रभु जी, अन्याय ना होने पाए किसी के ऊपर प्रभु जी। हे प्रभु, हमारे विरुद्ध अन्याय को देख प्रभु परमेश्वर, हमारे विरुद्ध हुए अन्याय को देख प्रभु परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जो अन्याय हो रहा है प्रभु जी, हालेलुया, उस अन्याय को प्रभु दूर करेगा यीशु के नाम से। मेरा परमेश्वर यहोवा अन्याय को दूर करेगा, हमारे द्रोहियों को हमारे सन्मुख में नीचा करेगा। हालेलुया, हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा उतराएगी प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, अपने पवित्र आत्मा उतराने दे, और सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु परमेश्वर। हमारे भारत का और हमारी दिल्ली का नियंत्रण अपने हाथों में ले। हे प्रभु, जोशो शैतान की आत्मा यहाँ पे काम कर रही है प्रभु जी, उन सारी शैतानी आत्माओं का मैं नियंत्रण लेता हूँ। उन शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से हम सब लोग बांध देते हैं, उन शैतानों को यीशु के नाम से श्रापित करते हैं। प्रभु ने कहा कि शत्रुता की, शैतान की सारी शक्तियों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। यीशु ने हमें अधिकार दिया है, और उस अधिकार से उन शैतानी आत्मा को बांध देते हैं,
हालेलुया, उस शैतानी ताकतों को जीत करते हैं। जो जो शैतान हमारे विरोध में आता है, जो जो दुष्टात्मा हमारे विरोध में आने वाली है, अब भी से हम बांध देते हैं। हालेलुया, विघ्न आपत्ति विपत्ति आने वाली जो हमारे ऊपर, यीशु के नाम से अब भी से टल जाए, यीशु के सुली के द्वारा भी से टल जाए, यीशु के लहू से भी से टल जाए। अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु जी, अपने बच्चों को शांति दे प्रभु जी, जिनका प्रभु परमेश्वर पिता और तलाक होने वाली है प्रभु, तलाक होने ना दे पिता परमेश्वर, जिनके घरों में झगड़े है प्रभु, वो झगड़े होने ना पाए पिता प्रभु जी, हर एक घर में प्रेम दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, सारी दुष्ट आत्मा की आत्मा यीशु के नाम से मैंने बांध दी है, उस शैतानों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, वो व्यभिचार की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ, वो पैसे की लालच की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ, जिसका जो है उसको देने के लिए उनको आज्ञा दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते सिस्टर मीना और ब्रदर अजय की सैलरी अभी तक नहीं आई प्रभु परमेश्वर, सिर्फ 15 दिन की सैलरी मिली है पिता परमेश्वर। प्रभु तो न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी, जब उन्होंने काम किया तो उनको सैलरी मिलने दे प्रभु जी। ब्रदर अजय और सिस्टर, ब्रदर अजय और सिस्टर मीना, इनकी सैलरी रुकी है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जिन जिनकी सैलरी रुकी है पिता परमेश्वर, जिन्होंने काम किया है और वो काम का मोह बदला, वो काम के प्रभु परमेश्वर सैलरी नहीं दी है, हे परमेश्वर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है पिता परमेश्वर। आज तेरी पवित्र आत्मा उस जगह पे मंडला है, आज उन सारे बड़े अधिकारियों को अस्वस्थ कर पिता परमेश्वर, और प्रभु तू न्याय चुका उनके साथ खुदा बाप। और प्रभु परमेश्वर, ब्रदर हालेलुया अजय सिस्टर मीना और वो जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब लोगों को प्रभु तू हालेलुया न्याय चुका पिता परमेश्वर, क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी, तू न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी, तू किसी के साथ अन्याय नहीं करता प्रभु परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जो अन्याय, जो अत्याचार, जो व्यभिचार जो चल रहा है प्रभु जी, ओ संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में यीशु के नाम से उसको बांधने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक उतारना दे, सारे बंधनों को तोड़ दे पिता प्रभु, सारी रुकावटें दूर कर दे, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर। एक एक व्यक्ति को मैं यीशु के नाम से आजाद कर रहा हूं। हालेलुया, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। Hallelujah, let the power of God, hallelujah, set you free. Let Jesus, hallelujah, set you free. Let my God set you free, hallelujah. I set you free in the name of Jesus. I set free, I set each and every one of you. I set you free in the name of Jesus, hallelujah. Urapaka lambara babaraba. Tum satya ko janoge, aur satya tumhe swatantra karega. Hallelujah, you will know the truth and truth will set you free, hallelujah. I set you free in the name of Jesus. प्रभु मैं हर एक जन को आजाद कर रहा हूं प्रभु जी, वो दुश्मनी की आत्मा दूर छोड़ दे प्रभु जी, वो सूड लेने वाली आत्मा, बदला लेने वाली आत्मा, वो दुश्मनी की आत्मा, वो कड़वाहट की आत्मा, वो शैतान की आत्मा, ओ यीशु के नाम से मैं दूर कर रहा हूं। यीशु के नाम से वो माफी की आत्मा वहां पे आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा वहां पे आ जाए, शांति की आत्मा यहां पे आ जाए। हे प्रभु, इन दिनों में तू हमें शांति देने के काम में लगा है प्रभु जी, हालेलुया, झगड़ों को रोकने का काम में लगा है प्रभु जी, और शांति का आत्मा प्रभु आज एक एक परिवार में उतर आए प्रभु जी, शांति की आत्मा हमारे पांचों चर्चेस में उतर आए पिता परमेश्वर, बहुत सारी आत्माएं वहां पे उतर आए पिता परमेश्वर, लोगों को लेके आ पिता परमेश्वर, लोगों को लेके उन पांचों चर्चेस में प्रभु जी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारा विरोध दूर कर दे प्रभु जी, ओ उन सारी जगहों की हालेलुया, सारी बलवान दुष्ट आत्मा को मैं बांध रहा हूं हालेलुया। ये प्रार्थना जिन जिन घरों में चल रही है हालेलुया, उन सारे घरों में प्रभु जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं हालेलुया। हमारे पांचों चर्चेस के विरोध में जो भी शैतानी शक्तियां कार्य कर रही है यीशु के नाम से बांध देता हूं, उन दुष्टों की आत्मा, उन शैतान की आत्मा, मनुष्य की आत्मा जो भी विरोध में आ रही है यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं। वो चोरी घात और नाश करने वाली आत्मा यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं तुम्हें यीशु के नाम से बांध देता हूं, मैं तुम्हारा अधिकारी हूं, हम तुम्हारे अधिकारी हैं, हम विश्वासी तुम्हारे अधिकारी हैं। शैतानों, दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ वहां से, तुम्हें मैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग वहां पे उतर आ रही है, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर आ रही है,
धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, तूने हर एक को आजाद किया है प्रभु, तेरी शांति हर एक के ऊपर आ रही है प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु मैं महसूस कर रहा हूँ पिता परमेश्वर कि तेरी शांति हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर आ रही है, हालेलुया। हर एक घरों में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उतर आ रही है, उन सारे हमारे चर्चेस में पवित्र आत्मा उतर आ रही है, कंट्रोल ले रहा है मेरा प्रभु जी, मेरा यीशु कंट्रोल ले रहा है, मेरा यीशु कंट्रोल ले रहा है, हालेलुया। सारी महिमा तुझे मिले यीशु राजा, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु जी। हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो रही है, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो रही है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, पवित्र आत्मा की अग्नि बरस रही है, हालेलुया। सारे व्यभिचार के बंधन टूट रहे हैं, सारे लालच की आत्मा नष्ट हो रही है, सारा अन्याय दूर हो रहा है, सारा व्यभिचार दूर हो रहा है, सारा अत्याचार दूर हो रहा है, और मेरा प्रभु विजयी हो रहा है, मेरा यीशु विजयी हो रहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह विजयी हो रहा है, हालेलुया। माय गॉड रेंस, हालेलुया। मेरा प्रभु राज्य करता है, मेरा प्रभु राज्य कर रहा है इस वक्त, हालेलुया। उन घरों में, उन जगहों में, उन दिलों में, उन शरीरों में, उन आत्माओं में प्रभु राज कर रहा है इस वक्त, हालेलुया। शैतान का राज्य हट रहा है यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ओ गॉड, हालेलुया। वी आर वेरी केयरफुल टू गिव यू ऑल द ग्लोरी ओ माय गॉड, हालेलुया। प्रभु हर प्रभु परमेश्वर पिता चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं, जो चमत्कार प्रभु परमेश्वर आ रहा है प्रभु कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के ऊपर, हर एक दर्शक जो देख रहे इस कार्यक्रम को, उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा उतर आ रही है, हालेलुया। हुरा बगलम बरबबा शंदरा बरबरियाला बरबबा, धन्यवाद हो प्रभु, तूने प्रार्थना सुनी है, बंधनों को तोड़ रहा है पिता परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, हालेलुया। माइटी मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस, हालेलुया। ओ अलौकिक सामर्थ प्रभु परमेश्वर उतार रहा है, अलौकिक सामर्थ, हालेलुया। ओ सुपर नेचुरल पावर प्रभु इस वक्त उतार रहा है, हालेलुया। आपके बंधन तोड़ रहा है, आपके मनों में शांति वो दे रहा है, हालेलुया। आप प्रभु की स्तुति करना शुरू करिए, बोलिए थैंक यू जीसस, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु चमत्कार के लिए, मैं उस चमत्कार को ग्रहण करता हूँ, बोलिए मैं चमत्कार को ग्रहण करता हूँ, उस मिरेकल मनी के लिए मैं मांग रहा हूँ प्रभु, एक व्यक्ति के लिए वो मिरेकल मनी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि वे गवाही दे सके यीशु के नाम से। उनके बंधन यीशु के नाम से मैं तोड़ रहा हूँ, उनके बंधन यीशु के नाम से मैं नष्ट कर रहा हूँ, उनके घरों में प्रभु की शांति आ रही है, उनके घर के झगड़े यीशु के नाम से मैं मिटा रहा हूँ, प्रभु यीशु के लहू से मैं उनको आजाद कर रहा हूँ, यीशु के नाम से आजाद हो गए हैं, यीशु के नाम से आजाद हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, तू कर रहा है। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ओ गॉड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ओ लॉर्ड। उरंदला बाबा शिकारा बाबा रियांदरा बाबा रबा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे मेरे राजा तेरा धन्यवाद हो, तू कितना भला है, तू कितना अच्छा है, तू कितना सुंदर है, तू हमारा प्रभु है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तूने कहा प्रभु जी। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, धन्यवाद हमारे साथ रह के चमत्कार करने के लिए, धन्यवाद हमारे घरों में आशीष देने के लिए, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो प्रभु ने आपको आशीषित किया है, हालेलुया। अपने चमत्कार को गिनना शुरू करो, प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप गवाही जरूर देना, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है, यीशु मसीह आपके बंधनों को तोड़ रहा है, वह सूजन उतरेंगी, हालेलुया, वह बीमारी दूर होगी, वह व्यभिचार दूर होगा, वह सारी शैतानी शक्तियाँ दूर हो जाएगी, वह सारे झगड़े तंटे लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से प्रभु बंद कर रहा है, पवित्र आत्मा ने कंट्रोल ले लिया है, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फॉर द विक्ट्री ओ गॉड, थैंक यू फॉर द विक्ट्री ओ गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रियो जैसे ये प्रार्थना की गई है, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, और हर रोज जब हम ये प्रार्थना करते हैं, ये डिलीवरेंस की प्रेयर होती है, छुटकारे की प्रार्थना, और बहुत विशेष और बहुत सामर्थी प्रार्थना होती है, तो इसको आप ज़रूर, इसको अपने लिए आप ग्रहण करिए। हम जब आंखें बंद करके मगन होके प्रभु से मांगते हैं पूरे अधिकार के साथ, आप भी हमारे साथ एक मन होकर मांगिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हर एक जन जो आज किसी परेशानी से ग्रसित है, आप मुक्ति पाएंगे, हालेलुया।
यस, सिर्फ सांसारिक बातें नहीं लेकिन आत्मिक चंगाई पाएंगे, आप उद्धार पाएंगे। वो भाई बहन जो सिर्फ हमें देखते रहते हैं, उनको लगता है कि औरों के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लिए भी है। हालेलुया, ये हमारे हर एक दर्शक के लिए है जो प्रार्थना में एक मन हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से दो या तीन एक मन होकर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। तो अगर आप हमें देख रहे हैं, आपके पास समस्या है और इन छुटकारे की प्रार्थनाओं में जो हर रोज की जाती हैं आपके लिए है प्रियो, तो इसलिए जरूर उसका फायदा उठाएं। प्रभु आपको आशीष दें, गारंटी के साथ ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया है। हालेलुया, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, वो तो यीशु मसीह का बलिदान है जो आपके लिए काम करेगा। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, हम आपको ये सुसमाचार बताने आए हैं। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, तो Hallelujah। आज का गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। यीशु ने तुझे है गले लगाया, वो छोड़ देगा क्या। यीशु ने तुझे है गले लगाया, वो छोड़ देगा क्या। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। हालेलुया, यस। तो मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। आज हमें धीरज हारना नहीं है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको हालेलुया यीशु मसीह दिया है। परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह दिया है और यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया है और यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और इसलिए मन में शांति। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैंने प्रार्थना की, हालेलुया प्रभु की शांति मेरे ऊपर आई, और प्रभु ने मुझे बताया जो जो देख रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष उतर आ रही है। हालेलुया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए। हालेलुया, और ऑनलाइन में जो आनंद है वो जो है बाद में देखने में उतना आनंद नहीं है। हालेलुया, जैसे जॉली जो है वो क्या करती है, रोटी बनाती है, और जो है बच्चे गरम गरम रोटी जो है वो खाना पसंद करते हैं, तवे की रोटी बोलते हैं ना हम उसको तवे की रोटी, तो वो तवे की रोटी तो इसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की रोटी, हालेलुया वचन की रोटी, तवे की रोटी, ये आप जल्दी खाइएगा, और अगर साथ में जुड़ सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। जो लोग काम करते हैं हालेलुया, तो और उनकी इच्छा है, परमेश्वर उनको उतनी आशीष देगा। लेकिन अगर आप घर में हैं और फिर भी आप नहीं देखते हैं तो वो जो है तवे की रोटी जो है नहीं खा पा रहे आप आप तवे की रोटी खाइए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप जो है जुड़ जाइए। आज काफ़ी लोग जुड़ गए, थैंक यू सो मच। हालेलुया, और हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे। तो आज हम फिर भी वही देखेंगे, शांति, शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति और मन की शांति। प्रार्थना करने के बाद में मन की शांति मिलती है। आज जैसे प्रार्थना करी हमने, एकदम मन की शांति आई और प्रभु ने शांति से हमको भर दिया, और प्रभु परमेश्वर जो है वो शांति का राजकुमार है और वो शांति से हमको भरने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की शांति से भर जाते हैं, हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर की आशीष हालेलुया हमारे जीवन के ऊपर उतर आती है, कितना सुंदर। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर आता है। हालेलुया, तो प्रियो परमेश्वर की शांति आपके दिलों में राज करे। फिर से एक बार देखेंगे मन की शांति, दूसरा तिसलियों दूसरा अध्याय का 17 वचन, तुम्हारे मनों में शांति दे, प्रभु तुम्हारे मन में शांति दे। तो ये शांति प्रभु की हालेलुया कहाँ पे आ सकती है, हमारे मनों में शांति आ सकती है, मन में शांति। फिर बाइबल में लिखा है कि इस स्थान में मैं शांति दूंगा। कौन से स्थान में शांति दूंगा? जिस स्थान में प्रार्थना होती है। जैसे मेरे घर में प्रार्थना चल रही है, इस स्थान को प्रभु शांति देने जा रहा है।
हालेलुया, जीवन नगर को प्रभु शांति देने जा रहा है, कैलवरी चर्च को प्रभु शांति देने जा रहा है। हालेलुया, आपके घर में जहाँ पे ये प्रार्थना चल रही है, लाइव लाइव चर्च, हालेलुया, और लाइव चर्च आपके घर में लेके आए हम। हालेलुया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लाइव चर्च आपके घर में आ गया है। और फिर आप जो है देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप देख रहे हो। हालेलुया, तो लाइव चर्च, हालेलुया, और उस स्थान को मैं आशीष दूंगा, प्रभु कहता है, उस स्थान में मैं शांति दूंगा, कहता है प्रभु, मन में शांति, स्थान में शांति, फिर उन सारे पृथ्वी के ऊपर के लोगों को शांति, पृथ्वी के सारे लोगों को शांति, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रभु प्रसन्न है उन्हें शांति हो। प्रभु की शांति आज उन तक पहुंचती है, चाहे वो कितने भी दूर किनारे पे रहते हो, चाहे वो कितने भी जंगल में रहते हो, चाहे वो कितने भी एकांत जगह पे रहते हो, लेकिन अगर आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले हैं तो प्रभु की शांति आपके ऊपर आ जाती है, आपको जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो एकांत में रहते हैं और वो प्रभु की संगति में रहते हैं, जैसे मूसा जो है पहाड़ पे जाता था, मेरे ख्याल से तीन चार बार जो है उसने 40 दिन के उपास किए और वो स्वर्ग में उस पहाड़ पे चला गया और स्वर्ग से परमेश्वर उसके पास आ गया और उस पहाड़ पे परमेश्वर ने उसके साथ संगति करी और कब कितने दिन तक तो वो खाना भी नहीं खाता था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति से वो भर जाता था। उस समय उसे कोई सोशल जरूरत नहीं पड़ती थी कि बैठ के आओ हम सब मिलके ऐसा करो वैसा करो। तो एक समय होना चाहिए कि हम एकांत में प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया, और हम देखते हैं कि पृथ्वी पर उन सारे मनुष्यों को शांति जिनसे प्रभु प्रसन्न है। प्रभु किनसे प्रसन्न है प्रियो? प्रभु उनसे प्रसन्न है कि जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु उनसे प्रसन्न है कि जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनसे प्रसन्न है कि जो हालेलुया सारे ऐसे जो रुकावटों को दूर करके अपने जीवन में प्रभु की आशीष लाते हैं, उनसे प्रभु प्रसन्न है, उनसे प्रभु प्रसन्न है। हालेलुया, प्रभु उनसे प्रसन्न है जो लोग हालेलुया प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। मैंने जब कल बोला कि आप चर्च में आ सकते हैं तो बहुत सारे लोग चर्च में आ गए। प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर डैनियल आ गए और जो है कौन कौन आ गया, सिस्टर सुनीता थापा, सिस्टर सुनीता आलोलिया, ब्रदर अर्षित की मिसेस सुनीता और जो है सिस्टर मीना और जो है सिस्टर, बहुत सारे सिस्टर, और आज तो हमारे ब्रदर कौन जो है घनश्याम, ब्रदर अरुण आलोलिया और हमारे रोहन, और थैंक यू फॉर योर विजिट, आपके आने के लिए धन्यवाद, और बहुत सारे लोग आए, सिस्टर राधा आई, ब्रदर कृष्णा आए, और जो है कौन आई उनके साथ की बहन विशाखा आई, हालेलुया, और आप सब लोग आए, प्रभु आपको आशीषित करे, आप आइएगा, प्रार्थना करिए, कैलवरी चर्च में आपका स्वागत है, हालेलुया, और अपना समय निकाल के आप वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं, कितनी खुशी की बात है। हालेलुया, इस स्थान को मैं आशीषों से भर दूंगा, और प्रभु की आशीष उन सारे मनुष्यों के लिए है जो हालेलुया उनसे प्रसन्न है, जो प्रभु जिनसे प्रसन्न है। आप प्रभु से प्रसन्न हो सकते हो या होना हो सकते हो, बात अलग है, लेकिन प्रभु को आपके ऊपर प्रसन्न होना चाहिए, और प्रभु को आपके ऊपर प्रसन्न होने के लिए आपको ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे कि जिससे वह प्रसन्न हो। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो प्रभु के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने प्रतिफल, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज जैसे हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, तो मैं इस विश्वास के साथ बैठा कि मेरे जितने सारे दर्शक हैं, जितने सारे कैलवरी चर्च के लोग हैं, उनको प्रभु आशीष दे के रहेगा। हालेलुया, वो विश्वास के साथ आना, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं, और इसलिए तेरे लिए उद्धार का काम अभी शुरू होगा। पत्रस नाम पास्टर पत्रस को बुला ले, अपने घर में बुला ले, प्रार्थना मीटिंग करवा ले, और तब वो तुझे उद्धार का मार्ग दिखाएगा।
पतरस वो कौन था? पतरस तो एकदम अन्य जातियों के विरोध में था, कहते थे कि नहीं 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 नहीं, इन लोगों को जो है अन्य जातियों को प्रभु को मार्ग नहीं दिखाएंगे हम। और प्रभु उसको भी तैयार कर रहा था, चादर में जो है दर्शन दिखाया कि खा, ये ऐसे चीजों को खा ले, प्रभु ये अशुद्ध है अशुद्ध है अशुद्ध है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। एक्चुअली प्रभु उसको अशुद्ध चीजें खिलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको प्रभु बताना चाह रहा था कि ये अन्य जाति के जो लोग हैं इनको भी तुझे प्रभु का वचन का प्रचार करना है। फिर वो कहता कि प्रभु पक्षपात नहीं करता, जैसे यहूदियों को उसने प्रेम किया अभी अन्य जातियों को भी प्रेम करता है। और पतरस अन्य जाति के घर में जाता है और प्रचार करता है और जो है उनका भोजन भी खाता है। और वहां पे कर्नेलियस जो है वो सब जो है उद्धार पाते हैं, वो सारा परिवार उद्धार पाता है। प्रेज द लॉर्ड जो है। तो इसलिए हमारी प्रार्थनाएं हमारे दान के द्वारा प्रभु क्या होता है? प्रसन्न होता है। बाइबल में लिखा है कि अपने धर्म के काम, हमारे धर्म के काम उसके द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। प्रियो हमारा संबंधों के द्वारा प्रभु प्रसन्न होता है। आपका संबंध अपनी पत्नी के साथ और अपने पति के साथ कैसा है? आपका संबंध अपने बच्चों के साथ कैसा है? आपका संबंध अपने माता पिता के साथ कैसा है? इन संबंधों को प्रभु देखता है कि जो है ये कोई नाटक तो नहीं कर रहा है, ये ऊपर ऊपर से जो है दिखा रहा है कि बहुत प्यार करते हैं और अंदर जाके अपनी पत्नी को बहुत मारता कूटता है, उसको एकदम नौकरानी समझता है या अपने पति को एकदम नौकर समझता है। उड़ो उड़ो जाके सब्जी लाओ, घर में सब्जी नहीं है। अरे बाप रे, तो ऐसे ऐसे तरीके से बात करना अच्छा नहीं है। प्यार से बात करिएगा, हालेलुया, वो तो लाएंगे लाएंगे, वो नौकर नहीं है, वो पति है आपके, हालेलुया, जरूर आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उनको प्यार से बात करिएगा, हालेलुया। और पुरुषों आप भी अपनी पत्नी को, अपने अपनी पत्नी को प्यार करिएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कितनी खुशी की बात है। तो हालेलुया, प्रभु को प्रसन्न करना, ये बात हम देख रहे थे। बहुत सारे लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते। दुष्ट लोगों को बाइबल में लिखा है कि जो है निद्रा भी नहीं आती, दुष्टों को कोई शांति नहीं है, दुष्टों को कोई सुख नहीं है, दुष्टों को कोई निद्रा भी नहीं है। दुष्ट अपने आधी आयु तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। दुष्ट इसलिए बनाया गया है ताकि वो नरक में डाले जाए। दुष्टों को कोई भी शांति नहीं मिलेगी। हाँ प्रियो, आज दुष्ट लोग जो है दुष्ट बातों में आनंद लेते हैं, और लेकिन प्रभु के लोग जो है वह प्रभु की बातों में आनंद लेते हैं। आज आप प्रभु की बातों में आनंद लीजिएगा। आज आपको प्रसन्न करना है तो अपने बॉस को प्रसन्न नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो है अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीरों को भी देते हैं और वो गलत काम करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उन्होंने अपने हालेलुया परमेश्वर के विरोध में पाप किया, अपने पति के विरोध में कहाँ पाप किया है और अपने हालेलुया जन्मदाता माता पिता के विरोध में पाप किया है। ऐसे पापों को जो है इजराइल देश में फतराव करके मार के मार डालते थे। तो ऐसे पाप ना करें। व्यभिचार का पाप जो है बहुत बुरा पाप समझा जाता था, और व्यभिचार के पाप करने वाले लोग जो है कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को क्या किया जाता था? फतराव करके उनको मार डाला जाता था। हालेलुया, ऐसे 10-10 बॉयफ्रेंड और 10-10 गर्लफ्रेंड रखेंगे तो, अभी तो इन दिनों में तो कुछ नहीं है, लेकिन जब स्वर्ग में जब हिसाब किताब हो जाएगा तो वहां पे मालूम चलेगा कि ये अनैतिक संबंध किसके थे और किसके साथ थे। वो तो और बहुत सारे किताबें खुलने वाली है और बहुत सारी बातें मालूम से होने वाली है। बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने गुप्त बना के रखी है, वो अपने जो है वो ऐसे सेक्स वर्कर को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो ऑपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते हैं। प्रियो, उनको खुश मत करिए, प्रभु को प्रसन्न करिए, तब वो आपको शांति से भर देगा। पैसे के द्वारा जो है वो खुश होना चाहते या करना चाहते हैं, कोई भी काम करवाना हो पैसे पैसा पैसा और घूस घूस। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। आपके काम प्रभु कराएगा, आपके काम प्रभु के स्वर्गदूत कराएंगे, आपका काम पवित्र आत्मा करेगा। सारा अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया, इंतजार करिए प्रभु का, प्रभु आके आपके कामों को पूरा करेगा।
हालेलुया, कैसे प्रभु को प्रसन्न करें, कैसे प्रभु को प्रसन्न करें। प्रभु अपने माता पिता के अधीनता में रह के आप प्रभु को प्रसन्न करें। अपने माता पिता की एक भी आज्ञा को तोड़ने नहीं देना, एक भी आज्ञा को गिरने मत देना। अपने माता पिता के साथ वाद विवाद और आर्ग्यूमेंट की आत्मा आने मत देना। अपने पापा को तुच्छ नहीं जानना, अपने मम्मी को तुच्छ नहीं जानना। उनको ये मत समझना कि इनको कुछ आता नहीं है। आपकी जीवन की भलाई के लिए सिर्फ आपके माता पिता ही काम में आएंगे। करके देखो, आप कितना भी आप तुच्छ जानो तो जो है ये सारी दुनिया आपको तुच्छ जानेगी। जब आप जो है अपने माता पिता को तुच्छ जानेंगे, सारी दुनिया आपको तुच्छ जानेगी। जब आप अपने माता पिता को इज्जत करेंगे, प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होगा और वो जो आपको चाहे वो आपको देगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु को प्रसन्न करना सीखो। प्रभु को जो प्रसन्न करता है उसके जीवन में प्रभु की आशीष आती है। यही तो सुलेमान कर रहा था, प्रभु को प्रसन्न करना चाहता था। इसने 1000 होम बलि चढ़ाए और जब प्रभु प्रसन्न हुआ तब प्रभु ने कहा, हे सुलेमान मांग। उसी रात को प्रभु उसके दर्शन में आता है और कहता कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, हमारा प्रभु जो है वो सामर्थी है और हमारा प्रभु कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग जो है अस्वस्थ रहते हैं। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं। हालेलुया, लेकिन आप परेशान मत हो जाइए। हालेलुया, प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करें। प्रभु को प्रसन्न जब करेंगे तो प्रभु परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर आएगी। हालेलुया, प्रभु को प्रसन्न करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, और बहुत बार जो है लोग जो है क्या करते हैं, अपने ही लोगों को और जो है प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, अपने ही लोगों को प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तो मेरे बॉस को इतना प्रसन्न रखता हूँ। हालेलुया, मुझे जॉली बता रही थी, हालेलुया, कि उनकी जो है कोई जो है रिश्तेदार है, वो अपने जो है क्या जो है अपने ऑफिसर को इतना प्रसन्न करती थी कि उनको इतना मतलब जो है बड़ा मानती थी। तो मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि जो है वो अपने परिवार के लोगों को भी तुच्छ जानती थी। मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर सबसे बड़ा है। हम ड्यूटी के लिए नहीं, लेकिन ड्यूटी हमारे लिए है। हालेलुया, मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, हालेलुया, कोई फायदा नहीं प्रियो। और इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना जो है वो शुरू करें। हालेलुया, प्रभु को प्रसन्न जब करेंगे तो प्रभु की आशीष आपके जीवन के ऊपर आएगी। हालेलुया, बाइबल में लिखा है दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय का 20 वचन निकालिए। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय के 20 वचन में लिखा है प्रभु का वचन, क्योंकि इसलिए दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 20 वचन। हालेलुया, और यहाँ पे प्रभु का वचन जो है बताता है, यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, 18 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, 18 वचन से सिस्टर जॉली पढ़ेगी। उसने मुझे मेरे बलवान शत्रु से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। हाँ, किसने छुड़ाया? प्रभु ने छुड़ाया। फिर उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। वाओ, वो मुझसे प्रसन्न था। जब आप पर प्रभु प्रसन्न है तब जो है वो आपको शत्रुओं से भी बचाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप उसको प्रसन्न करना शुरू करिए। हालेलुया, सिर्फ जो है ऑफिस के बॉस को प्रसन्न करना शुरू करेंगे या उसको गिफ्ट देते रहेंगे या उसको अपना शरीर भी दे देंगे रहेंगे, लेकिन प्रभु अगर गुस्सा हो जाएगा तो कोरोना लग जाएगा, तो बीमारियां लग जाएगी। इसलिए अपने बॉस को खुश मत करो, खुश करना है तो अपने परमेश्वर यहोवा को खुश करो। खुश तो करना है सबको, हमको बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले प्रभु को खुश करोगे, प्रभु को प्रसन्न करोगे। अगर प्रभु को प्रसन्न करोगे तो सारे लोग खुश हो जाएंगे जो धर्मी है। जो धर्मी लोग हैं वो सारे प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रभु को प्रसन्न करोगे तो दुष्ट लोग
गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आप घूस नहीं ले रहे हो, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, आप पैसा नहीं ले रहे हो, ना दे रहे हो, तो इसलिए क्या होगा, हालेलुया, जो है परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होगा और परमेश्वर जो है वो क्या करेगा बताया गया, हालेलुया, आपको आशीष देगा और आशीष देके परमेश्वर अपनी महिमा हालेलुया जो है आपके जीवन के ऊपर। बाइबल में लिखा है कि हालेलुया पहला राजा उसका तीसरा अध्याय और उसके हालेलुया 10 वचन में कि जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना के द्वारा भी हमें प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हालेलुया कैसे हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया, और बाइबल में लिखा हुआ कि कैसे हालेलुया प्रभु परमेश्वर के लिए ये लोग जो है क्या करते थे, ऊंचे पर बलिदान चढ़ाते थे, प्रभु परमेश्वर की महिमा करते थे। सुलेमान 3 वचन में लिखा है, पढ़िए, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, ये बात बहुत बड़ी बात है, सिर्फ होम बलि चढ़ाने की बात नहीं, वो यहोवा से प्रेम रखता था। आज हर एक जन को यहोवा से प्रेम रखना है, और फिर बाद में क्या लिखा है पढ़िएगा, और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु हाँ, या फिर आगे लिखा हुआ है कि कैसे गिबोन में यहोवा ने रात को नहीं 4th वचन माफ करिए, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, 1000 होम बलि चढ़ाए उसने, माय गॉड, इसलिए हम 1000 स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, सिस्टर जॉली कह रही है सही बात है, हालेलुया, एक बार हम स्तुति भेंट शुरू कर देते तो 1000 स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। आज मैंने हर एक को स्तुति भेंट भेजी है, जिसको नहीं मिली है आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप के द्वारा मैंने ये स्तुति भेंट भेजी है, पढ़िए उसको, आप बेटा आपकी स्तुति हो, प्रेमी बेटा आपकी स्तुति हो, आनंद काल का बेटा आपकी स्तुति हो, हालेलुया प्रेमी, और ये सब बाइबल में लिखा है कि जैसे हालेलुया ये सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, और तब क्या हुआ, एकदम तुरंत उसके अगले वचन में क्या इस पढ़िए, 1000 वेदी पर, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। वाओ, प्रभु जो है इससे प्रसन्न हो गया भैया, है ना, प्रभु प्रसन्न हो गया, हालेलुया, और पहली बात तो वो प्रेम करता था प्रभु से, दूसरी बात होम बलि चढ़ाई, 1000 होम बलि चढ़ाई, फिर कहा प्रभु ने कि क्या मांगता है मांग, तो उसने क्या ना धन संपत्ति मांगी, ना कोई कुछ और कुछ मांगा, पर उसने क्या मांगा, और देखो जो कुछ मांगा उस मांगने के कारण प्रभु उसके ऊपर और भी प्रसन्न हुआ। आज आप क्या प्रार्थना करते हैं इससे प्रभु प्रसन्न होता है, आप कैसी प्रार्थना करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं, इस बात से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु प्रसन्न होता है। कि जो है हालेलुया एक बार जो है वो आया ना, आपको पता है वो सुंदर सी कहानी, कि एक बार जो है एक पड़ोसी के पास प्रभु के एक विश्वासी के पास प्रभु आया, बोले बेटा तू जो जो मांगना है मांग ले, तो उसने कहा कि मैं 10 बंगले मांगूंगा, मैं तो 10 गाड़ियां मांगूंगा, मैं तो जो है बहुत सारे जो है बच्चे मांगूंगा, मेरी पत्नी के लिए बहुत सुंदर आलीशान गाड़ी मांगूंगा, हम पति पत्नी बहुत घूमेंगे और ये करेंगे वो करेंगे ये मांगेंगे और हमें बहुत बहुत धन संपत्ति दे, बोले तथास्तु आपको वो सारी चीजें मिलेगी, लेकिन एक याद रखना जितना तुझे मिलेगा उसका दुगना तेरी तेरे पड़ोसी को मिलेगा, है मेरे पड़ोसी को जो आप मैं मांग रहा हूं उसे दुगना मिलेगा। उसने कहा प्रभु ऐसा है कल आ जाना, कल बात करते हैं आपसे। वो सोचने लगा अब क्या करूं मैं, तो उसने कहा प्रभु दूसरा दिन प्रभु यीशु मसीह आ गए, प्रभु कहे कि जो है क्या मांगना बेटा मांग, उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख को फोड़ दे, अगर मेरी एक आंख को फोड़ देगा तो उसने सोचा कि मेरे पड़ोसी की दोनों भी आंखें फट जाएगी, मेरा एक हाथ काट दे, मेरा एक पांव काट दे, मेरा एक कान बहरा कर दे, मेरे जो है 16 दांत गिरा दे, चाहे 16 में से काम चलाऊंगा लेकिन उसके कितने गिरेंगे, 32 गिरेंगे, वाह वाह
अरे क्या शर्म की बात है ये, कितनी गलत बात सोच रहे हैं आप प्रियो, हालेलुया, कितनी गलत बात सोच रहे हैं। तो लोगों, उसने तो पहले 10-10 बंगले मांगवा लिए थे, पहले तो सोच लिया था कि मुझे इतने सारे बच्चे चाहिए, उतने सारी गाड़ियां चाहिए, इतना सब कुछ क्या है। लेकिन जब उसको जो है मालूम चला कि उसके पड़ोसी को दुगना मिलने वाला है, दैट वॉज द शॉक ऑफ हिज लाइफ। कल आना, मैं सोच के बताऊंगा प्रभु। और उसने जो है मतलब उसके मन में अपने पड़ोसी के लिए कितनी बुरी बात थी। क्या प्रार्थना कर रहे हो आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने क्या प्रार्थना करी, पढ़ना जो है क्या मांगा उसने। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म मन की सदाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे हो नहीं सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। आज प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रसन्न हो जाए। कौन सी प्रार्थनाएं आप मांग रहे हैं? उसने कहा, प्रभु मुझे विवेक दे, मुझे ज्ञान दे कि लोगों के साथ मैं कैसी बातचीत करूं। मैं तो, तूने तो मुझे राजा बना दिया है, लेकिन मुझे अंदर बाहर जाने का ज्ञान नहीं है, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ज्ञान दे प्रभु। और इस बात से कि उसने ज्ञान मांगा है, बाइबल में लिखा है, कहाँ लिखा है वो, कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। फिर जो है इस वरदान को तो दे ही दिया, लेकिन उसके साथ दूसरे भी वरदान दिए। क्या आपका लिखा है, बताओ। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु मांगी, और ना धन मांगा, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कुछ तुझसे पहले कोई कभी हुआ, और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो सुलेमान ने जो नहीं मांगा वो भी उसको मिल गया। प्रियो, ऐसी प्रार्थना करो कि आपको तो आशीष मिलेगी, आपके पड़ोसी को भी आशीष मिलेगी। ऐसी प्रार्थना करो कि पड़ोसी का उद्धार हो सके। ऐसी प्रार्थना करो कि सबका भला हो सके। हालेलुया। मेरे पापा की मम्मी जो ये प्रार्थना करती थी, प्रभु उसका भला कर, उसका भला कर, इसका भला कर, इसका भला कर, बोले वो सारे दुनिया भर का नाम लेके प्रार्थना करती थी, और आखिरी में प्रार्थना करती थी, प्रभु इन सबका भला कर, और उसके बाद में मेरे बच्चों का भी भला कर। अब प्रभु ने तो उसके बच्चों का सबसे पहले भला कर दिया। ये होता है, आप दूसरों को जब आशीष दोगे तो वो आशीष फिर से आपके पास लौट के आएगी। आप दूसरों को ब्लेसिंग मांगोगे, ब्लेसिंग दोगे, तो वो ब्लेसिंग आपके पास आएगी। आप दूसरों को श्राप दोगे, वही श्राप आपके ऊपर लौट के आएगा। आप क्या मांग रहे हैं लोगों के लिए? आपके मन की सारी कड़वाहट को प्रभु दूर करे। यहाँ पे उसने प्रसन्न करा। हालेलुया। उन पृथ्वी पर, उन सारे मनुष्य पर शांति हो जिनसे प्रभु प्रसन्न है। कैसे सुलेमान ने प्रभु को प्रसन्न किया था? पहली बात तो जो है उसने क्या कर दिया, बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु को प्रसन्न करता था, प्रेम करता था। प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोलना चाहिए, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। ये आपको जो है क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और सिर्फ याद ही नहीं, रटना ही नहीं, लेकिन दिल से प्यार करना है, दिल से प्यार करना है।
कामों से प्यार करना है। जब आप कहते हैं आई लव यू, तो जीसस का काम भी करो, सेवा करो उसकी फिर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से जब सुलेमान प्रेम करता था, तब तक जो है वो सब कुछ सही चलता रहा ना, और फिर उसके राज्य को प्रभु बढ़ोतरी देता रहा, बहुत आशीषित किया, बहुत आशीषित किया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम छोड़ के जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम दूसरे कामों में जाते तो ठीक नहीं होता। तो पहली बात, प्रभु से प्रेम करता था, होम बलि चढ़ाए और योग्य प्रार्थनाएं मांगी। योग्य प्रार्थना, तीन बात है प्रभु से प्रसन्न सुलेमान ने कैसे किया, पर कैसे प्रसन्न किया, प्रेम किया, होम बलि 1000 होम बलि चढ़ाई, और क्या किया, योग्य प्रार्थना। आपकी प्रार्थना योग्य होनी चाहिए। ये प्रार्थना मत करो कि प्रभु जो है, कोई भी उल्टी सीधी प्रार्थना करते हैं ना बहुत सारे लोग, उल्टी सीधी प्रार्थना, वो उल्टी सीधी प्रार्थना कभी भी नहीं करना। ये मत कहना प्रभु मेरी शादी उसी साथ होने दे, मेरी शादी उसी साथ होने दे, मेरी बेटी की शादी उसी साथ होने दे, मेरे बेटे की शादी उसी साथ होने दे, मेरे बेटे। अरे तुम परमेश्वर नहीं हो, हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे इस बात को, ये परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। मैं अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए कोई लड़की नहीं मांग रहा हूँ, कोई लड़का नहीं मांग रहा हूँ, मैं एक ही प्रार्थना है मेरी, तेरी मर्जी पूरी हो बस। हालेलुया, प्रभु की मर्जी पूरी होने के लिए अपने बच्चों के लिए मांगे। हम जो सोच रहे हैं वो बहुत संकुचित और बहुत थोड़ा चीज सोच रहे हैं, प्रभु ने जो सोचा है वो बहुत बड़ी चीज सोची है, आपके बच्चों के लिए, हर एक के बच्चों के लिए। ये पहले से जो है स्वर्ग में लिख के आया है, तय किया गया है। हम परमेश्वर की इच्छा योजना बदल नहीं सकते, उनके लिए ब्लेसिंग मांग सकते हैं। प्रार्थना योग्य रीति से करो प्रियो, नहीं तो प्रार्थना अगर योग्य रीति से नहीं करेंगे तो यीशु के नाम से लोग तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं। यीशु के नाम से तंत्र मंत्र होता है क्या? हाँ करते हैं लोग, और वो भी विश्वासी लोग करते हैं। जो प्रभु की योजना नहीं है उसके लिए मांगते 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 मांगते, हाँ फिर धोखा खाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, फिर उनका जीवन और परेशानी में है। गॉड हैज अ ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, बस इतना काफी है। हानि की नहीं कुशल की है। उस योजना पर विश्वास रखे, उस योजना को पूरा रीति से पकड़ ले हम। हालेलुया। तो जो कल्पना है प्रभु, ये प्रभु का वचन है, ये पास्टर प्रदीप गायकवाड़ का वचन नहीं है, या सिस्टर जॉली गायकवाड़ का वचन नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं कि वे हानि की निवरण कुशल ही की है। तो वो कुशल की योजना जो आपके लिए है वो पूरी करने जा रहा है, और वो पूरी करने जा रहा है वो कुशल की योजना। और आप अगर अपना प्रभु को काम करने देंगे तभी तो होगा ये। आप अपना ही घोड़ा दौड़ाते रहोगे, अपना ही घोड़ा दौड़ाते रहोगे तो प्रभु कहता है जा मर जा, और फिर बाद में तो वो तो शादी तो होगी नहीं, वो तो तलाक हो जाएगी और टूट फूट जाएंगे। और पहली स्थिति तो कहते हैं अरे यार शादी नहीं करते तो हमें पता थोड़ी ना था ये सब। इसलिए प्रभु की कल्पनाएं पर जो है आश्रित रहो, प्रभु की योजना पर और उसके केंद्र बिंदु पर आश्रित रहो और उसके में बने रहो। तो आज हमने देखा सुलेमान ने कैसे प्रसन्न किया, तुझको मैं प्रसन्न कर सकूं प्रभु, मेरे यीशु मैं तुझको प्रसन्न करूं। कलवरी चर्च के लोगों, कलवरी चर्च के प्रिय लोगों, आओ हम प्रभु यीशु को प्रसन्न करें। कलवरी चर्च के लोगों, हे सारे मेरे हालेलुया प्यारे प्यारे मेरे हालेलुया सारे जो है दर्शकों, हालेलुया आओ हम यीशु मसीह को प्रसन्न करें। यीशु मसीह को प्रसन्न करना मतलब बहुत अच्छी बात है। अरे एक बार ना अगर कोई प्रसन्न कर दे, मैं जॉली को जब प्रसन्न करता हूँ, कोई साड़ी वाड़ी दिलाता हूँ, वाह 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 क्या सेवा होती है मेरी फिर तो, कि फिर क्या सुंदर सब्जी बनती है, फिर क्या वाह तवे की रोटी और क्या पराठा और क्या आलू पराठा और क्या क्या चीज़ मिलती है भाई, पूछो मत फिर तो। जब मैं जॉली को प्रसन्न करता हूँ, उसके लिए कुछ कपड़े जब लाता हूँ तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, हालेलुया, वो तो भैया उसका देना तो बहुत ही अलग है। उसका देना तो क्या देता, उसने सुलेमान को दिया। और जब
पहली बात, वह सुलेमान प्रभु से प्रेम करता था। दूसरी बात क्या, उसने 1000 होम बलि चढ़ाई। तीसरी बात, योग्य प्रार्थना करी। और जो प्रभु ने भर दिया उसको ना, फिर जो भर दिया उनको, और प्रभु के मुंह से बात निकली भैया, और कहा है सुलेमान, ना तो तेरे पहले कभी ऐसा कभी राजा हुआ, ना कभी ऐसा राजा होगा जिसको मैंने इतना धन संपत्ति दी हो। मैं तुझको सबसे ज्यादा धन संपत्ति देता हूं। क्यों? क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि तूने 1000 होम बलि चढ़ाई। क्यों? क्योंकि तूने योग्य प्रार्थना मांगी कलवरी चर्च के। यस, लिखा है कि जो कोई तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा और जो कुछ, मैं तुझे यहां तक दूंगा कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य कोई ना होगा। हालेलुया। और लिखा है कि यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा, ये भी बोला है प्रभु ने। तो प्रभु परमेश्वर, जब आप प्रभु को प्रसन्न करोगे ना, तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। ये आज के जमाने, मतलब आज भी इतना अमीर कोई नहीं है, बिल गेट भी नहीं है जितना सुलेमान था, कोई नहीं जी, कोई अंबानी भी नहीं है। इतना सारा धन संपत्ति सुलेमान को दिया, हालेलुया प्रियो। लेकिन ये धन संपत्ति प्राप्त करके वो सुलेमान कहाँ गया? वो तो गया स्वर्ग में गया, लेकिन ये धन संपत्ति कहाँ गया उसका? ये यही छोड़ के चला गया। अरे ऐसा धन संपत्ति प्राप्त करो जो स्वर्ग में जा सके। आत्माएं जीतो, कोई धर्म के काम करो, कोई पैसा भेजो स्वर्ग में, धन संपत्ति इकट्ठा करो। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वो तो सुलेमान तो यहीं रह गया, सब कुछ यहीं धरा रह गया उसको। वो लोगों ने जो है आपस में खा लिया, वो उसके राज्य के दो भाग हो गए, वो टूट गया राज्य। तो परमेश्वर के लोगों, ये सब धन संपत्ति के पीछे मत पड़ो। और जो धन संपत्ति आपके पास है, उस धन संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करो, प्रभु के लिए काम करो, और प्रभु परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। मेरी ये आपके लिए प्रार्थना है, हम सबके लिए ये प्रार्थना है कि प्रभु हम तुझको प्रसन्न कर सके और सारे पृथ्वी के मनुष्यों को शांति मिले जिनसे प्रभु प्रसन्न है। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं पिता, और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमें प्रसन्न करने का जीवन दे प्रभु जी, प्रभु ताकि हम शांति पाए प्रभु जी। जब हम प्रभु तुझे प्रसन्न करेंगे तो हमें शांति मिलेगी प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, आज से हम प्रभु तुझे प्रसन्न करने के काम में लगेंगे प्रभु जी। बहुत लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश की प्रभु जी, बहुत लोगों को प्रभु चमचागिरी करी प्रभु, बहुत लोगों को बटरिंग करी प्रभु जी, बहुत लोगों को प्रभु परमेश्वर बहुत कुछ किया, एक कौड़ी नहीं मिली प्रभु जी, एक टूटा पैसा भी नहीं मिला प्रभु जी, एक टूटी हुई चीज भी नहीं मिली प्रभु जी। हम क्या अपेक्षा करें इन मनुष्यों से प्रभु, इन मनुष्यों से हम क्या अपेक्षा करें, इन मनुष्यों को क्यों हम खुश करने की कोशिश करें? उतना खुश तो हम अगर परमेश्वर को करेंगे तो पता नहीं सुलेमान जैसे कोई आशीष वो देगा और कहेगा, ना तो तुझे हालेलुया ऐसे कभी आशीष किसी को मिली होंगी, ना तो तेरे पहले कभी मिलेगी, ना तेरे बाद में कभी मिलेगी, हालेलुया क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न किया है, हालेलुया। हे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि तू परमेश्वर लोगों को ऐसे वरदानों से भर देता है, लोगों को ऐसे आशीषों से भर देता है। आज प्रभु जो जो वचन सुन रहे हैं उनको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ, उनको प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर तू प्रसन्न हो प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर तू प्रसन्न हो प्रभु जी, उनको प्रभु परमेश्वर जो तूने सोचा है वो तू दे पिता प्रभु जी। तो सुलेमान ने प्रभु परमेश्वर एक चीज मांगी, योग्य चीज मांगी, और प्रभु तूने प्रभु उसके साथ और 10 चीजें जोड़ी पिता परमेश्वर, और कहा कि तूने तो मांगा था सिर्फ एक बात, लेकिन मैं तुझे धन संपत्ति भी देता हूं, जबकि धन संपत्ति उस सुलेमान को नहीं मांगी थी प्रभु जी, शत्रुओं पर विजय नहीं मांगा था प्रभु जी, ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं मांगी थी,
ओ प्रभु परमेश्वर, वो सारी चीजें तूने सुलेमान को दी, धन्य तेरा नाम। हे प्रभु जी, आज के बाद हम तुझे प्रसन्न करना सीखेंगे। आज के बाद वो तंबाकू, बीड़ी, शराब और गालियां हमारे मुंह से निकल जाएगी। हालेलुया, हमारे मुंह में प्रभु के वचन रहेंगे। हालेलुया, प्रभु हमें सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। प्रभु कहता है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। हालो, यू विल बी द हेड नॉट द टेल। हालेलुया, मैं तुझे सर बनाऊंगा, तुझे पूछ नहीं बनाऊंगा। खुदा बाप, हमें तुझे प्रसन्न करना सीखा पिता प्रभु जी। बस 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 बस, हमने मनुष्यों को बहुत प्रसन्न कराया प्रभु जी, लेकिन कुछ मिला नहीं रे प्रभु जी हमें। हालेलुया, ओ प्रभु परमेश्वर, हम किसको प्रसन्न करें? हम यीशु को प्रसन्न करें। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग जो है अपने कंपनी में अपने बॉस को प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु जी, अपने कंपनी में अपने बॉस को बहुत खुश करना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, मनुष्य तो मनुष्य है और परमेश्वर तो परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है, श्रापित है वो जन जो मनुष्य पर अपना भरोसा रखता है। आई खुदा बाप, हम अपनी आंखें, अपनी नजरें तेरी ओर लगाते हैं प्रभु जी, और तुझे हम खुश करने की कोशिश करेंगे प्रभु जी, ना कि दुनिया के किसी व्यक्ति को प्रभु जी। जब हम तुझको खुश करेंगे तो सारे धर्मी इस दुनिया के खुश हो जाएंगे प्रभु जी। हालेलुया, जब हम तुझको खुश करेंगे तो सारे स्वर्गदूत खुश हो जाएंगे प्रभु जी। जब हम तुझको खुश करेंगे तो कलीसिया खुश हो जाएगी प्रभु जी। जब हम तुझको खुश करेंगे तो हमारे पास्टर खुश हो जाएंगे पिता प्रभु जी। जब हम तुझको खुश करेंगे तो सारा स्वर्गीय राज्य खुश हो जाएगा। हालेलुया, और शैतान का राज्य तो जलता ही रहेगा, वो तो पहले ही जलता आ रहा है, वहीं से धुआं निकलता जा रहा है, और वो आगे भी धुआं ही जलता रहेगा, और वो नरक और नरक ही रहेगा। उस नरक से जलजलाहट आ रही है, उस जलजलाहट को मैं आज यीशु के नाम से बांध देता हूं। हालेलुया, बंद हो यीशु के नाम से। सारी जलजलाहट, सारी दुश्मनी की आत्मा, सारे विरोध की आत्मा, सारी शैतान की आत्मा, सारी अन्याय की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से बांध देता हूँ। वह अधोलोक के सारे पाप यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। और प्रभु कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य को और सारे दर्शकों को आशीषित कर, मैं उनको यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ, हर एक दर्शकों के साथ, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बढ़ी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, धन्यवाद, आपने समय निकाल के आपने इस कार्यक्रम को देखा, और आपको प्रभु जरूर आशीषित करेगा। हमारा बस एक ही मिशन है, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना। हालेलुया, आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए प्लीज़। और जिन्होंने शेयर किया है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, हालेलुया फॉर शेयरिंग। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, मिलने दीजिए उनको भी आशीष, उनको भी, उनके तक भी जाने दीजिए। हालेलुया, उनका भी उद्धार हो जाए और प्रभु परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम, 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 शालोम।